हाँ हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी हस्तरेखा से ये जान सकते हैं कि आपका आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो ये बता दूँ कि लड़कों का जो है दाहिना हाथ देखा जाता है और लड़कियों के केस में उनका बायां हाथ देखा जाता है। जो विवाह से रिलेटेड जो रेखाएं होती हैं वो आपकी जो जो सबसे छोटी वाली उंगली है और जो आपकी ये हर्ट लाइन है, ये आपकी हर्ट लाइन है, इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है इधर, यहाँ पे आपको जो है आपकी मैरिज से रिलेटेड जितने भी शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से देखी जाती है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो है यहाँ पे इस जगह पे आपकी जो रेखाएं होती हैं, कई बार दो तीन होती हैं, हमने उस रेखा को देखना है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, उसी रेखा को करना है। अगर आपकी रेखा इस तरह की है और आपके बृहस्पति वाली जगह पे, इस वाली जगह पे एक क्रॉस का निशान है इस तरह का, ये बृहस्पति वाली जगह है, तो आपके 99% चांसेस ये हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। दूसरा ये है कि ये वाला शुभ संकेत है कि अगर बृहस्पति के स्थान पे आपको एक क्रॉस का निशान दिखता है, तो अगर आपके पास अगर इस जगह पे जाके अगर आपको एक और छोटी सी लाइन है जो पहले अलग है उसके बाद से इस लाइन से जुड़ जाती है और इस तरह से आगे बढ़ती है, ये बताता है कि आपका जो है ये एक लव मैरिज का संकेत है, जहाँ पे दो आदमी अलग हैं उसके बाद से जुड़ के और इनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है, ये आपस में बहुत ज़्यादा इनका जो है प्यार और बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो है ये और गुरु वाला स्थान, ये दोनों मिला के ये संकेत देते हैं कि आपको जो है आपकी जो है लव मैरिज होगी। उसके बाद से आपका यहाँ से जो आपका एक लक लाइन जिसको कहते हैं फेट लाइन, अगर वो सीधे सूर्य वाले स्थान तक पहुंचता है वो ये बताता है कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, और शुरू से अगर यह बिल्कुल जहाँ से आपका हथेली शुरू होती है वहाँ से लेके ये अगर सूर्य तक पहुंचता है तो आपकी किस्मत, आपकी विवाह में आपकी किस्मत का बहुत अच्छा योगदान रहेगा और आगे चल के आपका रिलेशन और भी जुड़ता रहेगा। जैसा कि आपको ये पता है कि ये वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं हम लोग हर्ट रेखा। इससे ये पता चलता है कि अगर ये वाली चीज़ जो है हर्ट वाली रेखा आपके बृहस्पति के बिल्कुल यहाँ तक जाती है, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा भावुक और बहुत इमोशनल हो और आप सबसे ज़्यादा जो है दिल से सोचते हो, दिमाग से कम सोचते हो। कई लोगों की ये रेखा जो है वहाँ तक ना जाके ये शनि के स्थान तक पहुँचती है, शनि के स्थान यहाँ तक। ऐसे लोग जो है ज़्यादा बैलेंस होते हैं, मतलब ये दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं, तो ये अपने जो भी फैसले लेते बड़े धैर्य से लेते हैं। आपको ये भी पता है कि ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली ये होती है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा ये बताती है कि आप कितना अपने दिमाग का और कोई भी फैसला लेने से पहले कितना सोचते हो, आप जल्दी भावुक होकर फैसला लेते हो कि जल्दबाजी में। तो ये सारे के सारे जो है ये मेल करके जो है आदमी के अपने आपके वैवाहिक जीवन के बारे में सारा कुछ बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों।